हैं अखिलेश यादव, ये सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। करहल विधानसभा छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव। सैफई में करहल नेताओं के साथ बैठक के बाद फैसला ले सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण आज की बैठक आप कह सकते हैं, क्योंकि विधायक भी हैं और सांसद चुने गए हैं। अभी कन्नौज से चुनाव जीता है, तो ऐसे में अब केंद्र की राजनीति में जो सक्रियता बढ़ाने की चर्चा चल रही है अखिलेश यादव की, उसी पर आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव इस्तीफा दे सकते हैं करहल विधानसभा सीट से और कन्नौज लोकसभा सीट पर अपने कर्तव्यों पर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे सहयोगी आज जो बैठक होने वाली है उस पर जानकारी देने के लिए फोनलाइन पर लाइव इस समय मौजूद है अलाउद्दीन अयूब, हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुख करेंगे अलाउद्दीन की तरफ। अलाउद्दीन, बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज। समाजवादी पार्टी के कंधों पर उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव जीतने की एक बड़ी जिम्मेदारी, 2029 में लोकसभा चुनाव जीतने की एक बड़ी जिम्मेदारी। अब ऐसे में फैसला करना है अखिलेश यादव को, विधायक की निभाते हैं या फिर सांसद बनने का कर्तव्य निभाते हैं और केंद्र की राजनीति में सक्रियता बढ़ाते हैं। आज क्या होने वाला है बैठक में, क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं, करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेस? जी हाँ बिल्कुल, जो पैतृक उनका गांव है सैफई, वहां न्यूज 18 की टीम मौजूद है। ठीक मेरे पीछे देखें तो समाजवादी पार्टी का ऑफिस है सैफई का, राइट हैंड पर उनका पैतृक निवास है। राइट हैंड में जो कैमरा पैन करेंगे, ये दीवार जो है ये पैतृक आवास की है। देखिए कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अगर हम कैमरे को पैन करेंगे पूरे इस कैंपस में तो साफ तौर से आप देखेंगे कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ भारी तादाद में आना शुरू हो गए हैं। और आप इस बात को मान के चले कि करीब करीब 10:30 बजे के लगभग, क्योंकि बगल में ही बिल्कुल आवाज से दीवार से फर्क है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ जाएंगे। कल दो चरणों में बैठक हुई थी, कल शाम में भी तमाम कार्यकर्ताओं को जो करहल के थे विधानसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था। तो कल एक चरण में जो बैठक हुई है उसमें फैसला यही हुआ है कि वो करहल की सीट को छोड़ेंगे। आज एक बार फिर से तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात का मौका है, एक बार जरा सा आगे आ जाएंगे। तो ऐसे में आप मान के चले करीब 11 बजे फैसला यही होना है कि करहल की सीट को छोड़ रहे हैं। आप इसको ऑफिशियली मान सकते हैं कि 11:30 बजे तक जो है वहां से निकलेंगे, फिर लखनऊ का जो विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय वहां पर अपना इस्तीफा भेज सकते हैं। और फिलहाल सैफई से तमाम तस्वीरें, कार्यकर्ताओं की तस्वीरें जो कि अंदर बैठे हुए हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं उनके आने का, ये तमाम लोग यहां पर बदस्तूर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में मान के चले कि अब से थोड़ी देर के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आएंगे, वो तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और ऑफिशियली फिर तमाम चीजों का ऐलान होगा। कल ही वो शाम में आ गए थे, फिलहाल कार्यकर्ताओं का बदस्तूर आने का सिलसिला यहां पर ठीक है, अधिकारी के ऐलान का ही सबको इंतजार है। नजर बनाए रखिए आप अलाउद्दीन, इस खबर लेते हैं करहल की, जहां से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है, सैफई में करहल के नेताओं के साथ बैठक हुई है और करहल से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बताया जा रहा है, नेताओं के साथ बैठक हुई है और बैठक के बाद ये फैसला अखिलेश की ओर से लिया जा सकता है। लखनऊ पहुंचकर रेजिग्नेशन अपना दे सकते हैं, करहल से एसपी विधायक हैं अखिलेश यादव और कन्नौज से अब सांसद चुने गए हैं, तो ऐसे में केंद्र की राजनीति में आगे बढ़ेंगे और विधायकी के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अलाउद्दीन इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, माना जा रहा है कि अखिलेश यादव करहल से इस्तीफा देंगे और कन्नौज से सांसद के तौर पर आगे बढ़ेंगे, कोई जानकारी कोई अपडेट मिला हो, कब तक लखनऊ जाकर रेजिग्नेशन देंगे वो? देखिए मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैफई में मौजूद है, अपना जो गृह उनका गाँव है वहीं पर। कल देर शाम में उन्होंने करहल के कार्यकर्ताओं, करहल विधानसभा अध्यक्ष जो पदाधिकारी थे उनको बुलाया था और उनसे मुलाकात की थी। आज फाइनली ये माना जा रहा है 10:30 से 11 बजे एक बार फिर से लोगों से मुलाकात करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, खासतौर से करहल के लोगों से मुलाकात करके इस बात का ऐलान करेंगे कि आखिर करहल से विधानसभा का उनको प्रतिनिधित्व करना है कि नहीं करना है। हालांकि कल की जो बैठक थी उसमें बात काफी हद तक साफ थी, जो कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी शामिल थे उनके हवाले से खबर थी कि उनका मन अभी दिल्ली के प्रतिनिधित्व का है, यानी कि वो करहल विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन फाइनली ऐलान वो लखनऊ पहुंच करके करेंगे जब वो विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देंगे। और फिलहाल आज एक बार फिर से वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और ये माना जा रहा है काफी कुछ हद तक तस्वीर 11 से 12 बजे तक साफ हो जाएगी, करहल का प्रतिनिधित्व करेंगे या फिर वो दिल्ली का रुख करेंगे। वैसे जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो दिल्ली का ही रुख करने की बात सामने निकल करके आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।